साथियों ने तो सोशल मीडिया पे ये लिखना शुरू कर दिया है कि एक बार फिर लीकेज सरकार। नीट परीक्षा में पेपर लीक और रिजल्ट में धांधली को लेकर कन्हैया कुमार ने आवाज खड़ा किया है। आपको हम बता दें कि नीट की परीक्षा में जिस प्रकार से जो अंक संभव नहीं थे वो अंक आए हैं और रिजल्ट में जल्दबाजी की है, जिसे लेकर एनटीए पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनटीए जो है वो शक के दायरे में है। तो देखिए कन्हैया कुमार क्या कुछ बोल रहे हैं कि नीट के परीक्षा में एक बार फिर से धांधली हुई है, मतलब ये पहली बार नहीं हुआ है। और आप अगर इस देश में होने वाली परीक्षाओं को देखें तो लगभग अब ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें धांधली नहीं हो रही है। मतलब विद्यार्थियों ने तो सोशल मीडिया पे ये लिखना शुरू कर दिया है कि एक बार फिर लीकेज सरकार, और बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होना, परीक्षा की जो तिथि है उसको बार बार बढ़ाना और जो वैकेंसियां हैं उसको सही समय पे नहीं भरना, ये मामले लगातार उजागर हो रहे हैं। ये इस प्रेस वार्ता में हम लोग खासकर जो नीट एग्जाम में धांधली हुई है उस विषय पर बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं इसमें दो तीन बात आपसे जोड़ना चाहता हूँ आपके समक्ष। अव्वल तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि चुनाव से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ कहावत है, जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीड़ पढ़ाई। तो चुनाव से पहले आप परीक्षा पे चर्चा करते हैं, चुनाव जब समाप्त हो जाता है पूरे 5 साल तक जो परीक्षाओं में धांधली होती है, टाइम पे एग्जाम नहीं होता है और जो वैकेंसियां हैं उसके बारे में आप कोई बात नहीं करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और चुनाव के दौरान बार बार कांग्रेस पार्टी ने इस बात को उठाया कि 30 लाख पद खाली हैं और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है यूपीएससी को छोड़ करके। अगर यही हालत रही तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यूपीएससी के एग्जाम भी सही तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाएंगे। जिन एग्जामों में आज तक कोई गड़बड़ी और धांधली नहीं हुई थी उन एग्जामों में भी गड़बड़ी और धांधली हो रही है। तो आपने सुना कन्हैया कुमार किस प्रकार से बता रहे हैं कि यूपीएससी का एग्जाम छोड़ करके बाकी लगभग सारे एग्जामों में धांधली हो रही है, और सोशल मीडिया पर यूजर्स एक बार फिर यह लिखने लगे हैं कि फिर एक बार लीकेज सरकार। उन्होंने मोदी सरकार पर भी कमेंट किया, उनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव को पहले वो परीक्षा पर बात कर रहे थे लेकिन चुनाव खत्म होते ही कोई भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जो है देने को तैयार नहीं है। इन सब चीज़ों से छात्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा निराश है, क्योंकि वो परीक्षा देते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद जब रिजल्ट इस प्रकार से आए तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक डर बनता है। तो आपने सुना कन्हैया कुमार ने किस प्रकार से आवाज़ उठाया है, नीट पर सवाल खड़ा किया है, एनटीए पर सवाल खड़ा किया है। उनका साफ तौर पर कहना है एनटीए शक के दायरे में है, जिस प्रकार से पेपर लीक की बात सामने आई थी उसके बाद रिजल्ट में धांधली हुई है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर सवाल खड़ा होता है। लेकिन जो सरकार है इन सब चीज़ों पर बात करने को तैयार नहीं है। चुनाव के पहले वो इन सब चीज़ों पर बात कर रही थी लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद वो बिल्कुल मौन हो गई है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।